अष्टमी तिथि है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के तृतीय अध्याय में वर्णन किया, बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करिए, हरा मूंग की कटोरी भर लो। मूंग जानते हो, हरे मूंग, मूंग की दाल होती है ना जो हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक खोड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, पांच बेलपत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर पांच बेलपत्र रखकर बुधवार और अष्टमी तिथि कथा, मूंग कटोरी में भरकर गुड़ की खोड़ी रखकर गुड़ की भट्टी पांच बेलपत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा श्वास किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से गणेश जी से विनती कर कर अष्टमी तिथि के दिन बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहें, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर चौखट पर गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी, तो अष्टमी को कर कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आ रही बुधवार को।